भाग्यशाली होते हैं वो जिनका लहू वतन के काम आता है और कफन में जिन्हें तिरंगा मिलता है। ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के धमंदा गांव निवासी जितेंद्र कुमार के साथ, जो जनरल और देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के साथ हुई दुर्घटना में वो भी शामिल थे और उनका भी उस हादसे में निधन हो गया था। आज उनका पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा और फिर उनके गृह जिले और निवास धामंदा सीहोर पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद शामिल होकर शहीद जितेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री ने उनकी पत्नी सुनीता को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। साथ ही परिवार को सम्मान निधि के रूप में 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और जितेंद्र सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा प्रदेश शोकाकुल परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मध्य प्रदेश के इस लाल को हजारों लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। देखिए पूरा वीडियो। निवेदन आपसे कृपया अपनी भावनाओं को काबू में रखें, अपनी देशभक्ति अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए दिखाएं और इस पार्थिव देह के पार्थिव वाहन में प्रवेश करने दें। अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करता हूँ कि सारी व्यवस्था हो जाएगा, सब पूरी व्यवस्था करेंगे। बहू मेरी बेटी है ये भी। नाम पे जो बनाना चाहिए विचार करके एक मिनट Gracias.